सो गाइस 11th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन से सल्फर ऑक्सो एसिड की जी ओ सिंगल बॉन्ड ओ लिंकेज पाए जाते हैं, यानी जो दो ऑक्सीजन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड किसमें पॉसिबल होगा। तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उन सबकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उसमें चेक करेंगे कि किस स्ट्रक्चर में ओ सिंगल बॉन्ड ओ पाया जा रहा है। तो अगर वैसे देखने में तो काफी लंबा लग जाएगा, लेंथी लग जाएगा, लेकिन अगर आपको इसके स्ट्रक्चर इनको पहले से याद होंगे तो आप अपने आप ही देख के समझ जाओगे कि भाई इसमें ओ सिंगल बॉन्ड ओ पाया जाएगा। सो ऑप्शन देखे सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक, परोक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सो हम सिस्टमेटिक तरीके से चारों जो एलिमेंट दे रखे हैं, चारों ऑक्सो एसिड दे रखे हैं, उनकी हम स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे और फिर चेक करते जाएंगे कि पाया जा रहा है या नहीं। तो फर्स्ट है H2SO3, तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि हमारी H2SO3 की स्ट्रक्चर है। इसमें इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें तो एक तो O डबल बॉन्ड S पाया जा रहा है, एक S सिंगल बॉन्ड O पाया जा रहा है, S सिंगल बॉन्ड O, और O और H के बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि S O के बीच में और O और H के बीच में पाया जा रहा है, लेकिन O सिंगल बॉन्ड O इसमें उपस्थित ही नहीं है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन वन इज द नॉट राइट, वन इज नॉट राइट आंसर। सो ऑप्शन बी से चेक करते हैं, इसमें H2SO4 है। तो H2SO4 की हमें पता है स्ट्रक्चर कैसी होती है कि इसमें दो ओ होते हैं वो तो एस के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, बाकी बाकी दो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एच डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ ऊपर नीचे देख सकते हैं, और लेफ्ट और राइट साइड में ओ एच जुड़े हुए हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ओ सिंगल बॉन्ड ओ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ओ और ओ एक साथ आई नहीं रहे, इनमें सब अलग अलग है चारों ओ, तो सिंगल बॉन्ड ओ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब अगला चेक करते हैं, वो था हमारा H2, यहाँ पे देख सकते हैं आप H2SO8, दैट इज परोक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड। सो स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसकी, पहले चेक करो सही यानी। तो H देखो, H दो आ रहे हैं, S भी दो आ रहे हैं और O है, और टोटल 8 आ रहे हैं, क्योंकि तो 3 इस तरफ, 3 इस तरफ और 2 बीच में। तो इसको देखने के बाद हमें लग रहा है कि यहाँ पे तो मुझे क्लियर दिख रहा है भाई, ओ सिंगल बॉन्ड ओ। गाइस जस्ट अ सेकंड, आई एम यूजिंग अ पेन, देन यू कैन सी। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर, ये दिख गया आपको, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये पाई जा रही है। देखो ये लाइन बॉन्ड की, ये ओ, फिर ये लाइन, फिर ओ, ये बॉन्ड आ गया। तो देख सकते हैं कि इसमें ओ सिंगल बॉन्ड ओ पाया जा रहा है, और कौन कौन से बॉन्ड पाए जा रहे हैं, एस डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड भी पाया जा रहा है, एक एस ओ बॉन्ड भी पाया जा रहा है, एस डबल बॉन्ड ओ, और ओ एच भी बॉन्ड पाया जा रहा है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से किस एलिमेंट में एस डबल बॉन्ड ओ, एस सिंगल बॉन्ड ओ और ओ एच बॉन्ड और ओ सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड पाया जा सकता है, ये भी इसी क्वेश्चन से बन सकता है। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, ओ सिंगल बॉन्ड ओ लिंकेज पूछा, तो यहाँ पे ओ सिंगल बॉन्ड ओ लिंकेज ही बन रहा है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ क्या था हमारा, H2SO7 था। तो यहाँ पे एच दो आ रहे हैं, एच दो आ रहे हैं और ओ कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि एस सिंगल बॉन्ड ओ बन रहा है और फिर सिंगल बॉन्ड एस, यानी एसओ एस बॉन्ड बन रहा है हमारे पास, और एसओ एसओ बॉन्ड भी बन रहा है, एस डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड भी बन रहा है, लेकिन ओ सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड ओ ये वाली लिंकेज हमारे पास इसमें भी नहीं बन रही। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो थैंक यू। गाइस 12th क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि उसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी जो अमीन है वो कार्बिल टेस्ट देगी। कार्बिल अमीन एक टेस्ट होता है जो क्या होता है, प्राइमरी अमीन को पहचानने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली कैसे कि कोई अमीन है या कोई कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, उसकी रिएक्शन करवाएंगे जो है CHCl3 और QH के साथ कराएंगे। तो एक बदबूदार, एक बुरी गंध अगर मिल जाती है, जो किसकी होती है, आइसोसाइनाइड की होती है, अगर वो गंध मिल जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि भाई वो प्राइमरी अमीन है, क्योंकि प्राइमरी अमीन ही ऐसी रिएक्शन करती है, और उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कार्बिल टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट, हम कार्बिल टेस्ट एक बार लिख लेते हैं कि अमीन है एक, है ना। अब प्राइमरी अमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों हो सकती है, पर उसमें जो अमीन हो 1 डिग्री हो, प्राइमरी अमीन कंपल्सरी है, वरना वो रिएक्शन नहीं करेगा। सो एग्जाम्पल मान लिया RNH2, ये क्या आर है, आर को ये आर इधर बेंजीन भी आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, CH3CH2, है ना। लेकिन जो अमीन है, अमीन मैंने 1 डिग्री ले ली, देखो प्राइमरी ले लिया, NH2 आ गया, एन के साथ सिर्फ एक ही इधर अगर जुड़ा हुआ तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ, इधर अगर कुछ भी होगा तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ तो ये प्राइमरी अमीन हो गई। अगर इधर दो कार्बन जुड़े होते एन से तो सेकेंडरी अमीन हो जाती। जैसे ये देखो, इसमें कार्बन एक तो ये वाला, इसका कार्बन जुड़ रखा है एक, ये वाला कार्बन, क्योंकि एच इधर जुड़ा है एच और ये CH3 ऐसे है, तो एक दो गए 2 डिग्री, ये प्राइमरी अमीन है। देखो एक तो ये वाला कार्बन और कहीं सी नहीं जुड़ रहा, ये सेकंड टर्शियरी कार्बन है, क्योंकि दो तो इधर जुड़ रहे होंगे एक इधर, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो एक ये वाला और एक C2H5 का जुड़ रहा होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये तो समझ में आ गया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन क्या होती है। अब हमने पता है कि भाई जो कार्बिल अमीन टेस्ट होता है प्राइमरी अमीन के लिए ही वैलिड होता है, चाहे वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो कुछ भी हो सकता है, उसे डिपेंड नहीं करता, बस अमीन प्राइमरी होनी चाहिए। सो ऑप्शन तो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यही प्राइमरी अमीन है। सो ऑप्शन तो ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। पर हम एक बार समझ लेते हैं भाई कार्बिल अमीन टेस्ट क्या होता है। तो RNH2 है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम CHCl3 की उपस्थिति में KOH के साथ, KOH के साथ करवाएंगे तो क्या होगा,
क्या होगा, 3KOH लेंगे, क्योंकि इधर अभी हम पता चलेगा क्यों होंगे बैलेंस करने के लिए। तो क्या होगा कि जो H2 है ये निकलेगा, तो क्या बनेगा, RNC बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड C। तो RN ये आ गया और इसका C इधर पहुंच गया, ये हो गया RNC। और सबसे पहले K और ये CL मिलकर KCL बना लेंगे, कितने बना लेंगे, 3KCL बना लेंगे, 3KCL, क्योंकि 3CL थे ना इधर, तो KCL बनाएंगे, तो बैलेंस करने के लिए 3 आ गया ना चाहिए, अगर 3 आ गया रहे तो ये के भी 3 होना चाहिए, इसलिए 3KCL हो गया, यानी हमने ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना, और ये इधर चला गया, और H कितने बचे, 3H बचे, और ये 3 इधर है, 6H है और 3ON, तो क्या हो जाएगा, 3H2O, क्या हो जाएगा, 3H2O, तो ये हमारा जो है कंपाउंड बनता है, और इधर ये क्या है, आइसोसाइनाइड, यही हमें गंद देता है, जो बुरी बदबू सी आती है, अगर ये गंद आ जाए तो समझ लेना भाई आइसोसाइनाइड बन गया, अगर आइसोसाइनाइड बन रहा है तो समझ लेना कि भाई जो प्राइमरी अमीन होगा तभी पॉसिबल हुआ होगा। सो हम कह सकते हैं कार्बिल टेस्ट होता है वो प्राइमरी अमीन के लिए ही फाइंड करने के लिए किया जाता है कि प्राइमरी अमीन है या नहीं, अगर प्राइमरी अमीन है तो आइसोसाइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा तो हमें गंद आएगी, हमें गंद आएगी तो हम पहचान जाएंगे कि भाई प्राइमरी अमीन यूज किया गया है। सो ये कार्बिल अमीन टेस्ट होता है, बेसिकली आर की जगह हम इधर बेंजीन रिंग भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं ना, एलिफेट को चाहे एरोमेटिक को, बस कंडीशन ये है कि ये जो है ना अमीन ये प्राइमरी होना चाहिए, है ना, ये हमने ले लिया, इस जगह पे ये हो सकता है या फिर इस जगह पे C2H5 कुछ भी लिख सकते हैं, पर ये है ना 1 डिग्री होना चाहिए। तो गाइस 13 क्वेश्चन आपसे पूछ सका है कि जो Cr+2 आयन है इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण हमें फाइंड करना है Cr+2 के लिए। सो बेसिकली अभी तो Cr+2 दे रखा है, लेकिन अगर Cr+2 के साथ कोई लिगेंड दे रखा होता, जैसे Cr के साथ कोई अदर लिगेंड है, जैसे CN लिगेंड है, क्रोमियम के साथ CN लिगेंड जुड़ा हुआ है, सपोज करो Cr CN की पावर 6, तब ये किस पॉइंट में पहुंच जाता, तब ये पहुंच जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उपसर संयोजक यौगिक में पहुंच जाता, उपसर संयोजक यौगिक में पहुंच जाता, तब हम देखते हैं कि भाई ये दुर्बल क्षेत्र है, प्रबल क्षेत्र है, फिर उस हिसाब से हम उसका अतिव्यापन करवाते हैं, जो चीजें आगे की है वो अभी उसमें जाना नहीं है क्योंकि वो है नहीं। अगर आपको समझ आए कि भाई ये क्या चीज होती है, तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या उपसर संयोजक यौगिक से रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखा, उसको जाके देख लीजिए, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो अभी सिंपल Cr+2 पूछा है ना, Cr+2 इसमें हमें लिगेंड विगेंड कुछ नहीं देखा, तो मैं उसमें घुसना नहीं है कॉम्प्लिकेशन में। तो सबसे पहले Cr का मैं बना लूंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सिंपल बनाऊंगा, वो नहीं बनाऊंगा T2G Eg, वो तो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, तो 1s2 2s2, जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक मार्कर इज नॉट वर्किंग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सो बेसिकली सबसे पहले देखता हूँ Cr में कौन से नंबर का है, ये 24 नंबर का, इसका जो है सीरियल नंबर परमाणु क्रमांक है 24, तो यानी इसमें 24 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बनेंगे, तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 तो हो गए 18, अब 6 और बने, कितने बने 6, तो 3p6 4s2 4s3d होता है, 4s3d होता है, तो क्या करूंगा, तो मैं करूंगा कि 6 और बनने, मुझे क्या बनने हैं, 6 और भरने हैं, तो अगर मैं इसको 2 भरता हूं तो इधर कितने आते हैं, 4 आते हैं, कितने आते हैं, 4 आते हैं। सो गाइस भरने को तो 4s2 भरा जाता है, फिर 3d4 भरा जाता है, 3d मतलब भरने को तो यही बनना चाहिए, पहले वाला कक्षक बनना चाहिए, इसके बाद आगे बनना चाहिए, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि अर्धयुग्मित कक्षक होते हैं, यानी आधे भरे हुए कक्षकों का जो होता है स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी वो अपूर्ण यानी बिना भरे हुए कक्षकों से ज्यादा होती है। तो सपोज करो अगर हम भर देते हैं 4s2 और इधर 3d4, तो देखो 4s2 में तो पूरे दोनों भर जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, और 3d4 में 5 होते हैं ना, 1 2 3 4, ये 5 कक्षक बन गए, तो 1 2 3 4 ये गया, तो बेसिकली ये तो स्टेबल हो गया। लेकिन ये देखो, ये अर्ध पूरा आधा भी नहीं भरा ना पूरा, या तो पूरा भरा होना चाहिए आधा भरा होना चाहिए, ज्यादा स्थायी तब होता है अगर पॉसिबिलिटी हो, अगर ऐसा बन सकता हो कि आधा भर जाए या पूरा भर जाए तब हमें वही बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तो बेसिकली अभी तो नहीं है। लेकिन मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के इधर दे दूंगा तो ये भर गए, इसके 5 भर गए, ये भी अर्धयुग्मित हो गया, ये भी अर्धयुग्मित हो गया, तो ये भी स्थायी हो गया, ये भी स्थायी हो गया, ये वैसे ये ऐसे अगर पूरा भरा था तब भी स्थायी था, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे फर्क पड़ गया ना, ये भी स्थायी हो गया, दोनों स्थायी हो गए, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर कर देता है, तो इधर क्या हो जाता है 3d5 4s1 हो जाता है। तो इस प्रकार का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, समझ गए। सो बेसिकली हमारे एस कोश होता है, फिर पी, फिर डी, एफ ऐसे आते हैं, तो जो है कि है ना ये ऐसे आते हैं, तो हम जब प्लस टू करेंगे क्या करेंगे, प्लस टू करेंगे, तो Cr+2 करेंगे,
सीआर प्लस टू पे रहे, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या होगा, तो होगा कि जो बाहर अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो अगर अंदर के कोश से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वो जो है परमाणु नाभिक होता है, नाभिक के ज्यादा पास होते हैं, इसलिए उन पर ज्यादा फोर्स लगता है, उनको निकालना दिक्कत होगी। तो हम इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, जो दूर के कोश होंगे, कहां से दूर के कोश होंगे, क्योंकि दूर के कोश होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई है नाभिक है, सपोज करो है ना, ये नाभिक है, ये है, तो मैं अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालूं तो वो दिक्कत होगी, ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये नाभिक के ज्यादा पास है तो ये आकर्षित करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्लस होता है, आकर्षित करेंगे, निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू यहाँ, यहाँ के ज्यादा आसानी से निकल जाएंगे, तो बाहर के कोशों से ज्यादा, ये सपोज करो फर्स्ट वाला, ये सेकंड, ये थर्ड है, तो हम ऐसा ही करेंगे लास्ट वाले कोश में से इसमें से निकालेंगे, तो बेसिकली ये 1s2 रहेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, अब कहां से निकलेगा, अब निकलेगा इसमें से, सबसे पहले इसमें से निकला है, क्योंकि लास्ट का कोश ये है, लास्ट का कोश ये है, तो क्या हो जाएगा 3d4 हो जाएगा, एक तो इसमें से निकल गया, बाकी एक इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि दो तो निकालने, भाई आप सोच रहे होंगे अब तो स्थायित्व का क्या हुआ, अब भाई दो निकालने तो निकालने तो पड़ेंगे ना, तो इसलिए हमने निकाल दिए, तो अब देखो 3d4 ये तो पूरा कक्षक है, हमें अयुग्मित चाहिए, हम अयुग्मित भी लेते हैं, लास्ट कक्षक में से लेते हैं, लास्ट वाले, तो लास्ट में देखो भर के देते हैं, 1, 2, 3, 4 हो गया, 1, 2, 3, 4 है ना, अब ये चार मैंने भर दिए इस तरीके से, तो इसमें अयुग्मित कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, अगर ऐसा होता बाई चांस, अगर चार, अगर मान चलो ये इधर हो के इधर होता, ये इधर होता, तब कितना अयुग्मित हो जाते, 2 हो जाते, लेकिन ऐसा कैसे, पहले हम लगातार सीक्वेंस वाइज भरेंगे, तो हम इस प्रकार का ऐसा हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाएंगे। हाँ हाँ, अगर इसमें लिगेंड होता तो क्या पता ये इनको है संयोजित करता, एक तरह से ये इनको प्रत्यारोपित करता, अगर लिगेंड होता तो उसका इफेक्ट कुछ और होता, तो अगला टॉपिक हमारा, अभी तो इतना समझ में आ गया कि n=4 होगा, ये समझ में आया कैसे, क्या हमने किया सीआर का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा, फिर Cr+2 किया, यानी दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कक्षक में से ही निकाले जाएंगे, तो n=4 हो गया, और हमें पता है कि जो होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण का, जिसका यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटोन होती है ना, इसकी यूनिट बोर मैग्नेटोन होती है, इसलिए BM लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है √n(n+2) होता है, सो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो n की जगह 4 लिख देंगे, 4 + 2 कितना 6, दैट इज 24, और √25 की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, 5 होती है, क्योंकि 25 का अंडर रूट होता है वो 5 होता है, लेकिन ये 24 है, यानी 25 से जस्ट कम है, यानी जो उसकी वैल्यू होगी 5 से जस्ट कम आएगी, तो जस्ट कम 5 से जस्ट कम क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आप सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमें आइडिया से पता चलेगा ना, फालतू में टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। तो गाइस 14 क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें लिख रखा है कि करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, यानी जो फ्री एक्सपेंशन होगा, मुक्त प्रसार होगा आइडियल गैस के लिए, किस कंडीशन में, रुद्धोष्म प्रक्रम में, एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए फ्री एक्सपेंशन मुक्त प्रसार के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन वेरी करेगी, कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होगी, तो सबसे पहले एडियाबेटिक कंडीशन यानी रुद्धोष्म प्रक्रम है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में जो है ना हीट ट्रांसफर नहीं होती, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो होता है हीट सिस्टम से जो सराउंडिंग में न जाती है न आती है, तो क्यू डेल्टा क्यू या फिर हम क्यू कहें, यहाँ पे डेल्टा क्यू ले लो या क्यू ले लो, एक ही मतलब ले रखा है, तो Q=0 होगा, नहीं तो ट्रांसफर नहीं होगी, तो ऑप्शन सी एंड डी तो ऑलवेज कैंसिल आउट होगा, तो हमें 1 और 2 आगे फर्दर वेरीफाई करना है, तो और मुझे पता है भाई मुक्त प्रसार हो रहा है, मुक्त प्रसार हो रहा है, तो पी एक्सटर्नल या पी कह लें हम, या पी कह लें वो 0 होना चाहिए, अगर बाहर कहीं किसी उस सराउंडिंग में, अगर जो सिस्टम है उस सिस्टम में अगर कोई प्रेशर होगा तो प्रेशर पुश करेगा, यानी जो प्रेशर डिफरेंस होगा, तो अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो क्या होगा, एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है मूवमेंट होगा, या फिर लो से हाई, मतलब हाई से लो ही होता है, तो हाई से लो की तरफ होगा, यानी कि अगर कोई प्रेशर वेरी करता है या किसी चीज में या सिस्टम में पाया जाता है, तो उसके कारण जो है मुक्त यानी फ्री रूप से नहीं होगा, वो प्रेशर की वजह से होगा, वो किस वजह से होगा, प्रेशर की वजह से होगा, लेकिन यहाँ पे देखा फ्री एक्सपेंशन है, तो उसके लिए प्रेशर 0 होना चाहिए, तो प्रेशर 0 है, और हमें पता है W क्या होता है, P डेल्टा भी होता है ना, तो P की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गया, यानी W 0 हो गया, समझ में आ गया, तो W 0 कहाँ आ रहा है, W ऑब्वियसली W और Q 0 दोनों इसी में आ रहे, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, इधर W 0 नहीं आ रहा, एक तो ही हो गया है ना, अब हमें Δt भी वेरीफाई करना है, Δt अब आंसर तो आ गया, हमें Δt भी वेरीफाई करते हैं, तो हम क्या करें, Δu = Q+W होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गति का प्रथम नियम, ऊष्मा
प्रतिक्रिया प्रथम नियम जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन उसमें किए गए कार्य और जो होता है ऊष्मा जो ट्रांसफर ऊष्मा है सिस्टम से सराउंडिंग में उसके एड के बराबर होता है। ये जो है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। सो डेल्टा यू क्या हो जाए, डेल्टा यू भी जीरो हो जाए, क्योंकि जगह जीरो रखेंगे डब्ल्यू भी जीरो है तो दैट इज जीरो। और डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा हमें पता है कि जो आइडियल गैस के लिए होती है आंतरिक ऊर्जा वो किसके बराबर होती है, वो होती है या फिर हम कहें कि डेल्टा यू होती है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन वो किसका फंक्शन होती है, वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, टाइम का फंक्शन होती है। किसका होती है, सॉरी टेम्परेचर, टाइम नहीं गाइस, मिस्टेक से निकल गया, टेम्परेचर का फंक्शन होती है, नहीं टाइम के समानुपाती होती है या फिर कहें कि टाइम पे ही डिपेंड करती है जो आंतरिक ऊर्जा होती है। सॉरी गाइस बार बार से मिस्टेक हो गया, टाइम नहीं होगा, टेम्परेचर, तापमान, तापमान क्या, तापमान पे निर्भर करती है, सिर्फ और सिर्फ तापमान पे निर्भर करती है। तो हमें पता है डेल्टा यू जीरो है तो अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है तो टेम्परेचर भी जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा की आल्सो विल बी जीरो। सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। सो गाइस 15th क्वेश्चन दे रखा है, उसमें बेसिकली क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है और साथ ही साथ जो सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी यानी मोललता हमें दे रखी है 0.078 मोलल दे रखी है। और हमें क्या पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी हिमांक में अवनमन पूछा है। सो बेसिकली हमें जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है KF यानी दैट मींस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ KF इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल दे रखी है ना, और उसके साथ ही साथ हमें मोलैलिटी दे रखी है दैट इज 0.078 मोलल दे रखी है। और उसके साथ साथ हमें पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दैट मींस हिमांक में अवनमन पूछा है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं डेल्टा TF। अगर जो है क्वथनांक में उन्नयन होता तो डेल्टा TB आता, बॉइलिंग एफ फ्रीजिंग के लिए डिनोट करता है, फ्रीजिंग यानी हिमांक। सो डेल्टा TF की वैल्यू होती है हमारे पास KF इंटू एम होती है, तो बस रख दो KF भी दे रखा है, एम भी दे रखा है, डेल्टा TF आ जाएगा। KF दैट इज हमारे पास 5.12 दे रखा है और एम दे रखा है 0.078 दे रखा है, जब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0.4 इज द राइट आंसर केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर है इसलिए हमें केल्विन में आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बस बेसिकली हमने क्या किया, हमें जो दे रखा है हमें पता चल गया भाई हिमांक में अवनमन, इस तरह हिमांक में अवनमन फवनमन जैसा कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसके बाद मोललता दे रखी है और हमें दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF दे रखा है, तो हमें पता है भाई इनके बीच में रिलेशन का एक सीधा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो तीनों में आपस में रिलेशन बताता है, बस फॉर्मूला लिखा और उसमें वैल्यू पुट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया दैट इज ऑप्शन सी 0.4 केल्विन।